हेलो विशिया माइंड पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास चक्कास। तो गाइस हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइस आज हम लोगों के यहाँ पे M13 रॉयल पास का वीक 4 ओपन हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मिशन हैं वन बाय वन सारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और कोई भी मिशन अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग जो मेरी सेकेंड चैनल है 1 मिनट मनी का, उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैं डिटेल में सारे वीडियो एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर RP के अंदर आप लोग चलते हैं, मिशन के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर गाइज आपको मिशन देखने को मिलेगा एलाइट पिकअप कंपेंसेटर इन 15 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आप लोगों को 15 मैच के अंदर कंपेंसेटर पिकअप करना है और इसके आप लोगों को 100 RP पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे लिखा है एलाइट, तो इसका मतलब ये होता है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे करोगे तो आपका मिशन कंप्लीट तो हो जाएगा, बट आप लोग उसको कलेक्ट तभी कर पाओगे जब आप लोग रॉयल पास खरीदोगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है कि मैप के अंदर रैंक में ढेर सारे मैप है, आप लोग कोई सा भी लगाओ, अनरैंक में भी आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो, बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग आफ्टर मैच लगा के खेलना। गाइज यहाँ पे आप लोग देखो तो BGMI और PUBG मोबाइल में टोटल 3 टाइम के कंपेंसेटर मिलते हैं, जिसमें AR का रहता है, SMG का रहता है और स्नाइपर का रहता है। तो फर्स्ट वाला जो AR का है वो आपको शॉप में मिल जाएगा और बाकी के आपको इधर उधर पड़े हुए मिल जाएंगे। तो एक गेम के अंदर अगर आप लोग 3 उठाते हो तो एक गेम में आप लोगों की 3 काउंट होगी, ग्लिच चल रहा है ऐसा। तो ऐसे करके आप लोगों के 15 कंपेंसेटर सिर्फ 5 मैच के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर गाइज लिखा है एलाइट फिनिश 2 NMA विद इन 60 सेकेंड ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड में आप लोगों को यहाँ पे जमीन पे लैंड होते ही 60 सेकंड के अंदर 2 NMA मार देने हैं और इसके भी आपको 100 RP पॉइंट मिलेंगे। बट सेम इसके आगे भी एलाइट लिखा है, तो इसका मतलब वही है कि मिशन आप लोग करोगे तो मिशन यहाँ पे कंप्लीट रहते हो जाएगा, बट जब आप लोग कलेक्ट करने जाओगे तो रॉयल पास परचेज करी होगी तो ही कलेक्ट होगा। तो इसके लिए सेम आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक अनरैंक में कोई सा भी लगा के खेल सकते हो, बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी इरंगल लगाओ। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि लास्ट में जो ऑफलाइन लोकेशन है ना वहाँ पे आप लोग चले जाओ, और ऑफलाइन लोकेशन पे अगर आपको 2-3 बंदे मिले तो उनके साथ ही आप लोग धीरे धीरे लैंड करो और उनको ही आप लोग जल्दी से पंच से मार देना, क्योंकि जैसे ही हमारा पैर ज़मीन पे पड़ता है ना, जैसे हम लोग लैंड हो जाते हैं उसके 60 सेकंड के अंदर ही हमें 2 NMA मार देने हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड था तो उसको जल्दी से मैंने मार दिया है, ठीक है। उसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे RP के अंदर आप लोग देख सकते हो थर्ड मिशन में लिखा है रिपीटेबल Week 4 and 5 ओनली स्पेन 100 मिनट इन मैचेस। तो गाइज यहाँ पे एवरी 100 मिनट स्पेन करने पर आप लोगों का एक बार मिशन कम्प्लीट होता है और आपको 75 RP पॉइंट मिलते हैं। बस इसके आगे क्या लिखा है रिपीटेबल, तो रिपीटेबल का मतलब ये कि आप लोग इस मिशन को बार बार कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। कितनी बार? तो टोटल 6 बार, 6 बार आप लोग इस मिशन को कर सकते हो। हर बार आपको 75 पॉइंट मिलेगी, टोटल 450 तक आपको RP पॉइंट मिलेंगे। ये मिशन को आप लोग जब ऑफिशियल Week 4 ओपन होगा ना तब खेल कर पाओगे, ठीक है। Week 4 स्टार्ट होगा तब से लेके जब तक हमारी रॉयल पास एंड नहीं होती तब तक आप लोग इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो मिशन कंप्लीट करने के सिंपल ट्रिक यही है कि आप लोग रैंक में कोई सा भी मैप लगाओ, ऑन रैंक में कोई सा भी लगाओ, क्लासिक, एरिना, अदर्स, सिर्फ आप लोग VSA और वॉर मोड को छोड़ देना। बाकी कोई से भी मोड में आप लोग खेलते हो तो उसके अंदर आप लोग जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे तो उतनी मिनट आपकी काउंट होगी और ये मिशन आप लोगों का कंप्लीट होगा। उसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात कर लेते हैं, जो कि हम लोगों का यहाँ पे 4th नंबर का मिशन है, जिसमें लिखा है फ्रेंड बूस्ट फिनिश 10 NMA विथ बोल्ट एक्शन राइफल इन इरेंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में यहाँ पे जो हमारा इरेंगल मैप है उसमें आप लोगों को बोल्ट एक्शन राइफल से 10 NMA मारने हैं और इसके आपको 150 RP पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे लिखा है फ्रेंड बूस्ट, तो फ्रेंड बूस्ट का मतलब ये होता है कि इस मिशन को अगर आप लोग रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे ना, जिसने भी यहाँ पर रॉयल पास खरीदी होगी, तो वो बंदा अगर आप लोगों के साथ गेम खेलता है और गेम के अंदर वो भी यहाँ पे बोल्ट एक्शन से एनिमी मारेगा तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में आपको रैंक के अंदर फर्स्ट नंबर पे इरेंगल देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग थीम मोड ऑन ऑफ करके भी खेल सकते हो, या सेकेंड नंबर में ऑन रैंक में भी आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर इरेंगल देखने को मिलता है। तो इसी इरेंगल को आप लोगों को लगा के गेम को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को गन्स बता दूँ, तो इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर जो गन का ऑप्शन है उसमें आप लोगों को SR कर लेना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर कार 98 है,
सेकेंड नंबर पे M24 है, M24 आप लोगों को शॉप में से भी मिल जाती है। थर्ड नंबर पे AWM है, तो ये आपको ड्रॉप में से मिलेगी। उसके बाद Win94 को छोड़ देना, उसके बाद मोसिन नगेट है और AMR है। तो ये यहाँ पे जितनी भी गन मैंने आपको बताई, किसी भी गन से आप लोग इरंगल में एनिमी मारोगे तो आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चले हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं, जो कि हमारा 5वें नंबर का मिशन है। इसमें लिखा है फ्रेंड बोनस, फिनिश इन द टॉप 3 विथ फ्रेंड्स 3 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंड के साथ 3 बार टॉप 3 में आना है और इसके 75 आरपी पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे लिखा है फ्रेंड बोनस, तो इसका मतलब ये होता है कि इस मिशन को यहाँ पे अगर आप लोग रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे तो आपको 30 आरपी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैप में रैंक में कोई सा भी लगाओ, अनरैंक में भी आप लोग कोई सा भी लगा के खेल सकते हो। ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि लिवी के आफ्टर मैच खेलो, क्योंकि उसके अंदर आपका मिशन जल्दी से कम्प्लीट हो जाएगा, छोटे छोटे मैप है इसलिए। तो इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड लिस्ट के अंदर से कोई से भी बंदे को बुला लेना है और उसी के साथ आप लोगों को गेम को खेलना है। अब लास्ट में इसके अंदर आप लोग देखो, हमारे यहाँ पे चिकन डिनर हुआ है, हम लोग #1 में आए हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पे #1, #2 या #3, 3 में से किसी भी नंबर पे आप लोग आते हो अपने फ्रेंड के साथ तो आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को टोटल 3 बार आना है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं, जो कि हमारा 6ठे नंबर का मिशन है, जिसमें लिखा है टीम बूस्ट इन अ क्लासिक मोड, एलिमिनेट प्लेयर विद द पेन 3 टाइम विद टीम मेट। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे पेन से 3 एनिमी मारने हैं और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलेंगे। बट इसके आगे लिखा है टीम बूस्ट, तो टीम बूस्ट का मतलब ये होता है कि इस मिशन को आप लोग सोलो में करोगे ना तो आपका मिशन हो जाएगा। बट अगर इस मिशन को आप लोग डुओ या स्क्वाड के अंदर करते हो और डुओ स्क्वाड में जो आपका टीममेट होगा ना, वो भले आप लोगों का फ्रेंड हो या फिर कोई ऑटो मैचिंग वाला रैंडम बंदा होगा, उसने अगर रॉयल पास परचेस करी होगी और वो पेन से एनिमी मारता है तो उसका मिशन आपके अंदर काउंट होगा। मतलब सिंपल इतना है कि अपना टीममेट यहाँ पे रॉयल पास वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैप में रैंक अनरैंक में कोई सा भी लगा के खेलो, ज़्यादातर आफ्टर मैच ही खेलो क्योंकि इसमें बोट मिल जाते हैं ढेर सारे। अब सिंपली मैं आप लोगों को पेन बता दूं, तो इन्वेंटरी के अंदर यहाँ पे मेले वेपन्स के अंदर आप लोग देखोगे तो लास्ट में आपको पेन मिल जाता है, तो इसी पेन से गाइज आप लोगों को एनिमी मारने हैं, ठीक है। तो ये पेन आप लोग यहाँ पे थ्रो करके मार सकते हो या फिर उसके पास जाके अटैक करके मार सकते हो, वो आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ता है जब आप लोग पेन हाथ में लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मेरे पास पेन था और यहाँ पे एक बंदा भी था, तो उसके पास जाके मैंने इसको मार दिया है। तो इसी तरीके से आपको मिशन करना है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मिशन में गाइज यहाँ पे लिखा है ऑप्टेन 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ड्यूरिंग द क्लैन बैटल इवेंट। तो गाइज क्लैन बैटल इवेंट में आप लोगों को 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑप्टेन करने हैं और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको सिंपली क्लैन के अंदर जाना है। यहाँ पे क्लैन बैटल अभी आ चुका है, तो सबसे पहले कल आया था क्लैन बैटल, तो आपको आपके जो लीडर हो गया, को लीडर हो गए, वो क्लैन बैटल को रजिस्टर करता है। फिर 5 दिन बाद यहाँ पे क्लैन बैटल स्टार्ट हो जाएगा और क्लैन बैटल जैसे ही स्टार्ट होता है तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ मिशन दिए जाएंगे, जिसमें 4 मैचेस रहती है और मिशन कंप्लीट करने पे हमें पॉइंट मिलता है। जैसे कि देखो सेंटर में लिखे हैं 5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को मिशन कंप्लीट करके लेने हैं। जैसे ही आप लोग 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लेते हो तो आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे लिखा है फिनिश 5 एनिमी विथ S1897 इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को S1897 से 5 एनिमी मारने हैं और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे मैप में रैंक अनरैंक में कोई सा भी लगा के खेल सकते हो, पर ज़्यादातर आफ्टर मैच ही खेलो क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे आपको बोट भी मिल जाते हैं और S1897 भी आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली गन बता दूँ, तो इन्वेंट्री के अंदर गन के ऑप्शन में ऊपर से आप लोगों को SG कर लेना है, जो शॉर्ट गन है उसके अंदर आपको 2nd नंबर पर शॉर्ट गन देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो S1897। तो इसी शॉर्ट गन से आप लोगों को 5 एनिमी मारने हैं। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट मिशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अरे किसमें घुस गए। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट मिशन में आप लोग देख सकते हो पिकअप स्पेशनाज हेलमेट Level 3 इन 8 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइज आप लोगों को 8 मैच के अंदर Level 3 का जो स्पेशनाज हेलमेट है उसको पिकअप करना है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक अनरैंक में कोई सा भी लगा के खेल सकते हो, पर ज़्यादातर आप लोग इरंगल, लिविक या फिर आफ्टर मैच लगा के खेलो क्योंकि इसके अंदर आपको शॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो
वैसे आप लोग ड्रॉप के अंदर से हेलमेट ले सकते हो, इधर उधर पड़ा हुआ भी मिलेगा, बट फिर भी नहीं मिलता तो शॉप के अंदर आप लोगों को 30 कॉइन्स से हेलमेट मिल जाता है। तो इसी हेलमेट को सिंपली तौर से आप लोगों को परचेस कर लेना है। अब आप लोग एक बार हेलमेट परचेस करो तो उसको पहले बैकपैक से बाहर निकाल देना, फिर वापस पिकअप करना, तभी आपका मिशन काउंट होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको 8 मैच के अंदर हेलमेट लेना है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट मिशन में लिखा है यूज़ मैड किट 10 टाइम्स इन क्लासिक मोड, तो आप लोगों को 10 बार यहाँ पे मैड किट का यूज़ करना है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैप में रैंक अनरैंक में कोई सा भी लगाओ, पर ज़्यादातर लिविक या आफ्टर मैथ लगाना। अब गाइज़ यहाँ पे आप लोग आफ्टर मैथ या लिविक खेलते हो तो राइट साइड में आप लोगों को नीचे वाटरफॉल नाम का लोकेशन देखने को मिल जाता है, तो वहीं पे आप लोगों को सिंपली चले जाना है। अब जैसे ही आप लोग वाटरफॉल में आते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग क्रेट रखे हुए मिलते हैं, तो वो क्रेट को आप लोग खोलोगे तो उसके अंदर से आपको मैड किट मिल जाएगी। जैसे कि देखो मुझे भी यहाँ पे मैड किट मिल चुकी है। अब ये जहाँ पे आप लोगों का खून कम होता है ना, तब आप लोग यहाँ पे मैड किट का यूज़ कर सकते हो। तो मैड किट एक बार आप लोग बैकपैक से लगाओ या फिर यहाँ पे जो हीलिंग की लाइन आती है वहाँ से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। टोटल 5 मैड किट यूज़ करते ही आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो गाइज लास्ट में जो 2 मिशन है वो आप लोगों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे अल्टीमेट एरिना के अंदर 10 मैच विन करनी है और आप लोगों को अल्टीमेट एरिना के अंदर 1,00,000 शॉप टोकन का यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों मैप के लिए आपको करना क्या है कि अभी के लिए आप लोग देखोगे तो अनरैंक के अंदर एरिना में यहाँ पे अल्टीमेट मोड नहीं आया है, बट यहाँ पे अल्टीमेट एरिना मोड आएगा 7 या 8 तारीख के बीच में। तो जैसे ही अल्टीमेट एरिना आता है तो आप लोगों को यहाँ पे अल्टीमेट एरिना लगा के गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे गेम को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में BGMI या PUBG मोबाइल आप लोगों को थोड़े से कॉइन देते हैं, ठीक है, थोड़े से शॉप टोकन देते हैं और उसी शॉप टोकन का यूज़ करके आप लोग आइटम को यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप लोग शॉप टोकन से आइटम परचेस करते हो तो उतने शॉप टोकन आप लोगों के यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे और ऐसे करके 1,00,000 शॉप टोकन यूज़ करते ही आप लोगों का मिशन हो जाएगा। और दूसरा मिशन है कि आप लोगों को 10 मैच जीतनी है, तो ये भी इसी मोड के अंदर करना पड़ेगा और इसके अंदर टोटल आपको 4 राउंड देखने को मिलते हैं। तो चारों 4 राउंड में से जो भी राउंड ज़्यादातर बंदे जीतते हैं उनका मिशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। जैसे कि देखो इस मैच के अंदर हमारे 4 राउंड हम जीते हैं और सामने वाले 0 राउंड जीते हैं, तो मैच हम लोगों ने विन कर ली है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे ज़्यादातर राउंड जीतने पड़ेंगे। जो भी टीम यहाँ पे ज़्यादा राउंड जीतती है उनकी विक्ट्री हो जाएगी, तो ऐसा काउंट होगा कि मैच विन हो चुकी है। ऐसे करके 10 मैच आप लोगों को विन करनी है। आई होप गाइज आप लोग सब मिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी मिशन में आपको समझ में ना आए तो 1 मिनट मनी का चैनल चेकआउट कर सकते हो, उस पर आपको अलग से सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे। गाइज ये वाला वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।